हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग फिर से प्ले करने जा रहे हैं GTA 5। और क्या चल रहा है GTA 5 में वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अभी फिलहाल देखो यार, माइकल तुम लोगों को पता ही होगा बहुत ज़्यादा रिच था। हाँ था वो, मैं कह रहा हूँ। अभी उसके पास इतना वो रिच रहा भी नहीं और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है, बट उसकी बहुत टाइम से एक इच्छा थी कि वो एक गाड़ी परचेस करे। गाड़ी मतलब एक बाइक परचेस करे, क्योंकि कार का तो बजट है नहीं उसका। अभी फिलहाल उसके पास एक ही कार है, वो खटारा सी, तुम लोगों ने वैसे देखी होगी। खटारा तो नहीं है बट फैमिली कार ठीक ठाक सी। एक तो अमेंडा की कार है और एक माइकल की कार है, वो दो ही कार है उसके पास, बाकी तो कोई कार नहीं। जिमी और ट्रेसी की भी कार है, वो भी छोटी सी, बट माइकल को बहुत टाइम से इच्छा थी कि एक बाइक लेने की। तो यार मेरे पास कोई भी बाइक नहीं है, तो क्यों ना हम लोग एक बाइक परचेस करें। तो मैं बहुत टाइम से लगाकर सेविंग्स कर रहा था, तो फाइनली अभी थोड़ा बहुत अमाउंट हो चुका है मेरे पास बाइक खरीदने का। तो मैंने बात की शोरूम वाले से, उसने कहा है कि वो बाइक दिलवा देगा, उसके पास स्टॉक में है। और भाई जितनी जल्दी ले सकती हो ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है वो स्टॉक। ऐसी बाइक है, मैं तुम लोगों को बताऊँगा वो कौन सी बाइक है। अभी चलते कपड़े बदलते, क्योंकि मैं इस सूट में बाइक लेना तो नहीं जाने वाला, कुछ अलग सा आउटफिट रखते हैं हम लोग बाइक लेने जाने के लिए। ओके, अभी मेरे को ये वाला ही आउटफिट समझ में आ रहा है, तो मैं इसी के साथ जाने वाला हूँ। और ग्लासेस स्ट्रीट शेड में थोड़ा सा, ओके ये ज़्यादा सही लग रहे हैं, नहीं ब्लैक वाले बहुत से ज़्यादा सही लग रहे हैं। अभी फिलहाल चलते हैं फटाफट से, रेडी तो ऑलमोस्ट मैं हो चुका हूँ और ठीक ठाक सही लग रहा हूँ, ठीक है, इतना कुछ खास भी नहीं लग रहा मेरे पास। यार एक मेरे को परचेज़ करना पड़ेगा, अगर अब अपने पास बाइक आएगी ना तो मुझे ड्रेस पूरा परचेज़ करना होगा, जो कि राइडर्स के लिए होता है। तो चलते हैं फटाफट से, अभी हम लोग अमेंडा की कार लेके जाने वाले, क्योंकि भाई मेरे को ये कार बिल्कुल भी पसंद नहीं है और बहुत टाइम से इसकी सर्विस भी नहीं हुई है। तो चलते हैं अमेंडा की कार, भाई वो सर्विसिंग वगैरह करवाती रहती है, तो उसी की कार लेके चलते हैं। ओके स्टार्ट हो चुका है, और मैंने अमेंडा की कार भाई बैनी से मॉडिफाई करवा के दी थी, भाई कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और तुम लोगों को नहीं पता बैनी कौन है, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, टाइम आने तो बताएंगे, ठीक है तुम लोगों को भी। तो चलते हैं फटाफट से, और मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ वो गाड़ी, वो बाइक कौन सी है जिसको कि हम लोग लेने जाने वाले। तो लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं, यहाँ से शोरूम ज़्यादा दूर नहीं है और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। वैसे टाइम क्या हो रहा है अभी, फिलहाल 7:30 ऑलमोस्ट बज रहा है। तो फटाफट से चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और भाई कार भी चलने में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है जब से मॉडिफाई करवाई है, और यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं वो शोरूम, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से, और जो शोरूम का ओनर है वो अपना ऐसा कोई पर्सनल तो दोस्त नहीं है, बट थोड़ा बहुत ठीक है, ऐसा नॉर्मल वाली बातचीत है अपनी, ठीक है। और गाड़ी भी ठुक गई यार, खर्चे पे खर्चे बढ़े जा रहे हैं। एनीवेज चलते हैं फटाफट से, और मैं उसको पेमेंट कैसे करने वाला हूँ, वैसे तो EMI पर ही करने वाला हूँ मैं उसको पेमेंट, बट देखते हैं अभी जो भी सीन होगा। चलो फटाफट से चलते हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अभी फिलहाल हम लोग पहुँचने वाले उस जगह पे, ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ शोरूम पे, जहाँ पर वो शोरूम है। भाई मैंने गाड़ी की हालत ही ख़राब कर दी यार इस गाड़ी की, बट एनीवेज कोई बात नहीं, अमेंडा चिल्लाने वाली है बट उसको समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वाला वो शोरूम है जहाँ पर अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ आती रहती है, यहाँ पर ही बाइक्स का भी स्टॉक है, प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं अपनी कार को कहीं साइड में पार्क कर देता हूँ, वरना बीच रास्ते में पार्क करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। पीछे की साइड में पार्किंग है, तो चलते हैं वहाँ पर ही, और फटाफट से मैं इस गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये बंदा अपने घर पर भिजवा देगा या फिर मैं बाद में आके भी ले जाऊँगा, ठीक है। ये घर भिजवाने की ये एक्स्ट्रा चार्ज करता है यार, पता नहीं कैसा सा बंदा है, बट इसका शोरूम बहुत ज्यादा बढ़िया चलता है लॉस सैंटोस के अंदर। तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या हमें भी अपना शोरूम खोलना चाहिए लॉस सैंटोस के अंदर, अच्छी खासे पैसा अर्निंग करने के लिए। तुम लोग कमेंट करके जरूर से बताना। तो तुम लोगों को अभी तो देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग कौन सी बाइक परचेज करने के लिए आए। तो अभी फिलहाल ये देख लो, ये इसकी कुछ बाइक है, और ये तो कह रहा था भाई जल्दी स्टॉक में नहीं रहती है भाई KTM's की बाइक, और अभी तो भाई इसके पास फुल ऑन स्टॉक है। लगता है मुझे कि यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई खास इंडिया से इंपोर्ट होके आती है यहाँ पर KTM, तो मुझे तो लगता है भाई डिमांड बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर KTM वगैरह की। और ये जो है वो एक स्पेशल एडिशन है, रुको मैं इससे बात करके तुम लोगों को सारी चीज़ बताता हूँ जो भी है। अभी मेरी फिलहाल इस बंदे से पूरी की पूरी बात हो चुकी है, और ये बंदा मुझे बता रहा है कि ये जो तुम लोग एडिशन देख रहे हो KTM का, ये एक ब्लैक 390 RC एडिशन है। ये ब्लैक कलर में आती है फुल्ली, मतलब थोड़ा सा व्हाइट का मिक्सचर और ऑरेंज का मिक्सचर तो होता ही है, बट इसका इसकी खास बात है कि हम लोग इसको कोई भी कलर चेंज नहीं करवा सकते, इस पर रैप भी नहीं करवा सकते, या फिर इसका कोई भी कलर वगैरह चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि ये कंपनी का रूल है अगर हम लोग चेंज वगैरह करवाते हैं तो हमसे गाड़ी भी छीन ली जाएगी और हम पे फाइन भी लगा दिया जाएगा। और ये खासकर एक ब्लैक एडिशन है 390 RC का, तो भाई ये अभी अभी फिलहाल में लॉन्च हुआ और हम लोगों को मिल रहा है भाई, वरना इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है। तो मैंने इससे सारी बात कर दी है, और अभी फिलहाल मैंने इससे बोला है टेस्ट ड्राइव करने को, बट ये कह रहा है मुझे कि भाई टेस्ट ड्राइव तो नहीं मिलती इस गाड़ी की, क्योंकि यार कहीं ठोकी वगैरह, तो पैसे अगर तुम दे भी देती हो
फिर भी इस गाड़ी को इम्पोर्ट करवाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये टेस्ट ड्राइव तो नहीं देने वाला, तो यार इस पे भरोसा करके खरीदनी ही पड़ेगी। वैसे इसका इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज हम लोग करवाएंगे, तो चलते फटाफट से इसको पैसे वगैरह देते। और वैसे तो ईएमआई पे ही, बट थोड़ा सा एडवांस वगैरह जो भी होता है वो इसको सेंड करते और देन हम लोग यहाँ से चलते हैं। ओके, अभी फिलहाल मैंने इस बंदे को पूरे पैसे तो ट्रांसफर नहीं किए, मतलब जो एडवांस के पूरे पैसे थे वो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया। और फाइनली हमारी केटीएम हो चुकी है अपनी, एक केटीएम अपनी हो चुकी है, तो मैं ये वाले चूज़ करने वाला हूँ, बीच वाले। इसके पेपर्स वगैरह सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन करवा के अपने घर पे डिलीवर करवा देगा, ठीक है, पेपर्स को मतलब पोस्ट कर देगा तो हमारे घर तक आ जाएंगे। भाई गाड़ी तो बहुत ज़्यादा सही लग रही है यार मुझे तो। भाई तुम लोग इसकी एक बार लुक चेकआउट करो, क्या बहुत ज़्यादा बढ़िया लुक है यार इस गाड़ी की। भाई यार मुझे तो इस गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, और ये बर्न आउट क्या मारती है। और देखो तुम लोगों ने भाई इसका, तुम लोगों ने वो चेकआउट किया एग्जॉस्ट, ये देखो फिर से मैं बताता हूँ तुम लोग, क्या फ्लेम निकल रही है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा कैडी लग रही है इसको। भाई मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, अभी घर ले जाने या फिर चर्च वगैरह ले जाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं फटाफट से रेसिंग ट्रैक पे, मतलब रेसिंग ट्रैक तो है नहीं यहाँ पर, हम लोग लेके चलते हैं लॉस एंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैक है जहाँ पर अभी तो फिलहाल वो एयरपोर्ट बंद तो नहीं है, बट उस पर बहुत ज़्यादा कम फ्लाइट आती है क्योंकि थोड़ा सा कोविड वगैरह का इशू है लॉस एंटोस में, इसीलिए बहुत ज़्यादा कम फ्लाइट्स वगैरह आती है। तो चलते फटाफट से इस गाड़ी को वहाँ की साइड में लेके, अभी लॉस एंटोस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है भाई, मैं सीधा नहीं गलत ही नहीं जा रहा था, ठीक है ये उसका एयरपोर्ट। चलते फटाफट से इधर, मार्क करते हैं लोकेशन और फटाफट से निकलते हैं 1 माइल से, बट इस गाड़ी से पहुंचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, लेट्स गो फटाफट से चलते हैं यहाँ से। और भाई मौसम भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, और भाई गाड़ी की स्पीड चेकआउट करो तो ऐसे जहाँ पर ये भाई सब के कटिंग मारी थी अभी मैंने, जहाँ पर ये थोड़े मतलब ट्रैफिक वगैरह वहाँ पर ये 100 से ऊपर तो ऐसे ही टच कर लेती भाई। चलते फटाफट से और इसका स्पीड टेस्ट करके देखते हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अभी फिलहाल मैं लेके पहुंच चुका हूँ इस बाइक को यहाँ पर, और भाई गेट, ओ भाई खुल गया, पहली बार ऐसा हुआ मेरे लिए कोई गेट खुल गया, वरना खुलता ही नहीं है भाई यहाँ का गेट। तो अभी फिलहाल हम लोग लेके पहुंच चुके हैं इस गाड़ी को यहाँ पर, अब फाइनल टेस्ट करने की बारी यार इसकी, देखते हैं फटाफट से चलता है। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, रास्ते में भी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, ठीक है ये गाड़ी, लेट्स गो। एक सेकेंड में थोड़ा सा ट्रैक सही ले लूँ, इधर साइड वाले ट्रैक से हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि भाई जो भी फ्लाइट आती है वो उस वाले ट्रैक से आती है। वैसे तो कम ही फ्लाइट सारी है अभी फिलहाल, बट जो भी फ्लाइट आती है वो उस वाले ट्रैक से आती है। तो चलते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट भाई ये गाड़ी कौन चला रहा है, एनीवेज चलो उनका काम है, उनको कर देते हैं। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम लोग, 3, 2, 1 लेट्स गो। अभी फिलहाल देखते हैं 0 to 100 कितने में पहुँचती है, और भाई विद इन 2 से 3 सेकेंड्स के अंदर ये पहुंच चुकी है, और हाईएस्ट स्पीड इसकी देखते हैं, ओके 170 जा चुकी है विदाउट मॉडिफिकेशन, ये एकदम स्टॉक है, ठीक है 200 टच कर चुकी है भाई, ये जस्ट अ मिरेकल भाई, 220 होने वाली है, ओके 221 223, ओके 223 यहाँ पर ये टच कर चुकी है भाई, बहुत ही कम समय में इसने टच किया विदाउट मॉडिफिकेशन। तुम लोग कमेंट करके बताओ इसकी मॉडिफिकेशन करवाऊँ या फिर नहीं मैं, क्योंकि विदाउट मॉडिफिकेशन इतना टच कर रही है, अगर इसके अंदर ट्यूनिंग करवाएंगे लेवल 4 का करवाएंगे इसका इंजन, तो भाई कितनी ज़्यादा टच करने वाली है भाई, मैं तो देख के ही हैरान हूँ भाई। बाकी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, एक बार ये मार के देखते हैं, ठीक है एक सेकंड मैं थोड़ा सा विली और स्टॉपी मार के देखता हूँ, पहले विली मार के देखता हूँ भाई सब, ये देखो क्या विली लगी है भाई, चेकआउट करो क्या विली लगती है यार भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा बड़ी लगी। अभी मैं स्टॉपी ट्राई करता हूँ, स्टॉपी भाई ये एडिशन कैसा लगा तुम लोगों को वो मेरे को यार ज़रूर से जाके कमेंट में बताओ, ये एडिशन बहुत ज़्यादा बढ़िया, लेट्स गो चलते हो स्टॉपी मारते, रुको तो फुल स्पीड में लेके स्टॉपी मारने वाला हूँ मैं, यहाँ पर स्पीड पकड़ने दो इसको अच्छी खासी, देन हम लोग स्टॉपी मारेंगे, लेट्स गो 3, 2 ओके 200 तक की स्पीड पकड़ने दो, ओके 200 तक की स्पीड पकड़ दिया, और अब मार दे स्टॉपी भाई, स्टॉपी देखे तुम लोगों ने क्या बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टॉपी, और यहाँ तक लगी है, मैंने वहाँ से स्टॉपी मारी और यहाँ तक लगी भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है यार ये। जो जो KTM लवर्स है ना भाई, एक लाइक तो वीडियो पे बनता ही, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो अगर तुम भी एक KTM लवर हो, और तुम लोग एक छपरी नहीं बनना चाहते KTM को लेके, तो यार एक लाइक बनता है यार KTM के लिए, दिल से एक लाइक बनता है। तो फिलहाल आज के इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कमेंट करके जरूर से बताना कि मेरे को इसको मॉडिफाई करवानी चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल आज की वाली वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, पसंद आई तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे भी गाइस आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सॉरी माइक को लगी, टाटा बाय बाय एंड गुड बाय।